हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर बच्चा पाँचवें छठवें महीने में ही हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी का भी पाँचवा महीना है और बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या मेरी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, क्या मेरी प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाएगी, क्या मुझे बेड रेस्ट करना पड़ेगा, मैम कुछ हमें सलाह दें। हालांकि इस पर मैंने पहले भी बहुत पहले एक बार वीडियो शेयर किया था और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस वीडियो से इतनी सारी महिलाओं की हेल्प हुई है कि वो पूरा कमेंट बॉक्स जो है थैंक यू मैम आपने मेरी टेंशन दूर कर दी, थैंक यू मैम आपने मेरी टेंशन दूर कर दी करके भरा पड़ा है। आज काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो मैं फिर से शेयर कर रही हूँ क्योंकि इनबॉक्स में कई सारे लोग हैं जिनको वो वीडियो नहीं मिला है, तो वो इनबॉक्स में मुझसे आके कमेंट करते हैं कि मैम हमारे बच्चे ने हेड डाउन कर लिया, हम क्या करें, हमें कुछ बताइए, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो इसलिए आज ये फिर से मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड में लिख देते हैं कि पाँचवें महीने बच्चे ने हेड डाउन कर लिया, छठवें महीने बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, लेकिन बहुत सारी जगह नहीं लिखा जाता है क्योंकि पाँचवें छठवें महीने में बच्चे का हेड डाउन करने का कोई मतलब नहीं होता है। बच्चा क्या है, पेट में एक थैली है, आपके यूट्रस में एक थैली है जो गर्भाशय है, उसके अंदर भरा है पानी, उस पानी के अंदर बच्चा रह रहा है। बच्चे जब से मूवमेंट करना शुरू करते हैं, वो मूवमेंट क्या है, जब बच्चा घूमता है तभी तो आपको मूवमेंट फील होती है। किक तो बाद में करता है, जब वो हाथ पैर मारेगा तब आपको किक समझ में आएगी कि बच्चा पैर चला रहा है, लेकिन जब बच्चा घूम रहा है तो वो मूवमेंट आपको पहले समझ में आती है, किक से पहले। अब वो बच्चे का काम है कि पूरे 9 मंथ उस पानी के अंदर घूमना। जिस टाइम पे आप सोनोग्राफी कराने गए, उस टाइम पे बच्चे की पोजीशन जो थी वो नीचे की तरफ थी, हेड डाउन पोजीशन में थी। पाँचवा महीना था, छठवां महीना था, सातवां महीना था, कोई भी महीना आप मान लीजिए, उस टाइम पे बच्चे ने हेड डाउन करके रखा हुआ था, तो सोनोग्राफी में वो हेड डाउन पोजीशन में आ गया, तो डॉक्टर ने वो पोजीशन लिख दी, मेंशन कर दी कि आपको पता रहे कि इस समय बच्चा आपके हेड डाउन पोजीशन में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसी पोजीशन में अब पूरे टाइम के लिए फिक्स हो गया है, वो फिर से घूमेगा क्योंकि वो पेट में घूम ही रहा है, अभी वो उस पानी में घूम रहा है, वो फिर से घूमेगा। हो सकता है नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड जब आप 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद कराने जाएँ तो वो जो नीचे की तरफ सर था वो घूम करके ब्रीच पोजीशन में आ जाए या फिर ऊपर की तरफ आ जाए, क्योंकि अभी वो घूम रहा है, वो घूमेगा। ऐसा नहीं कि वो पाँचवें महीने में फ़िक्स हो गया है कि वो नीचे ही रहेगा। अगर इतनी जल्दी वो फिक्स हो जाएगा तो फिर पूरे टाइम आपको बच्चे की मूवमेंट फील ही नहीं होगी, फिर वो एक ही तरफ रहेगा, सिर्फ किक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा घूमता है। फिक्स पोजीशन कब होती है बच्चे की, 8वें महीने में। 8वें महीने में जो अल्ट्रासाउंड में आ जाएगी बच्चे की पोजीशन, वही फिक्स पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि उस समय बच्चे की फुल ग्रोथ हो चुकी होती है, बच्चे का साइज जो है प्रॉपर डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद उसे ज़्यादा घूमने के लिए स्पेस नहीं मिलता है पेट में, तो वो उसी जगह रुक जाता है और वहीं उसकी फाइनल पोजीशन हो जाती है कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है या फिर ब्रीच पोजीशन में है। ब्रीच पोजीशन मतलब कि सर ऊपर की तरफ है, पैर नीचे की तरफ है, या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन में है कि एक तरफ पैर है और एक तरफ कमर की एक तरफ सर है। तो वो 8वें महीने में जो पोजीशन आएगी वही फाइनल होगी। उससे पहले तक 5वें महीने, 6वें महीने, 7वें महीने में कोई भी पोजीशन आई है वो फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे के पास प्रॉपर टाइम है घूमने का। आप एक अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जब नेक्स्ट कराओगे तो उसमें वो बच्चा आपको पोजीशन उसकी चेंज ज़रूर मिलेगी। जिस टाइम पे आप कराने गए थे, हो सकता है कि उस टाइम पे बच्चा मूवमेंट करके हेड डाउन नीचे कर लिया, पहली चीज़। दूसरी बात कि 5वें महीने से बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, 6वें महीने से हेड डाउन कर लिया, तो हम बिल्कुल बेड रेस्ट पर आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अब आपका हेड डाउन बच्चे ने कर लिया तो बस वो नीट डिलीवरी के लिए तैयार हो गया है। हमारी बॉडी को पता होता है कि हमारी डिलीवरी कब होगी। कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जिनमें प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, सबके ऐसा केस नहीं होता है, कुछ उनकी बॉडी ही इस टाइप की होती है या फिर काफ़ी एज में उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की होती है, तो इस वजह से कई बार लोगों की प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि 5वें-6वें महीने में बच्चा अब नीचे की तरफ आ गया है तो बस अब डिलीवरी हो ही जाएगी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरे बच्चे ने 6वें महीने में ही हेड डाउन कर लिया था। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने जो मुझे बताया कि 6वें महीने में बच्चे ने हेड डाउन कर लिया। सेकंड में क्या है, डॉक्टर ने 8 महीने तक लिखा ही नहीं रिपोर्ट में, क्योंकि जब डॉक्टर जल्दी लिख देते हैं तो इसलिए टेंशन भी हो जाती है। मुझे पता ही नहीं था कि
बच्चा हेड डाउन में है किस में है, क्योंकि डॉक्टर ने 8 मंथ तक लिखा ही नहीं। उन्होंने 8 मंथ के लास्ट में जा कर के मैंशन किया रिपोर्ट पे कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है। उससे पहले मैंने उनसे पूछा था कि बच्चा किस पोजीशन में है, तो उन्होंने कहा कि मैडम हम मेंशन तो कर दें लेकिन इस पोजीशन को कोई मतलब नहीं है, अभी बच्चा आपका फिर घूमेगा, फिर अगली बार आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर वो घूम करके दूसरी पोजीशन में चला जाएगा, तो हम फाइनल पोजीशन लिखेंगे जिसके बाद बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में उन्होंने लास्ट में 8 मंथ के लास्ट में जाके पोजीशन मेंशन की थी, हेड डाउन पोजीशन आई थी उसमें। फर्स्ट प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने 6वें महीने से ही लिख दिया कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है। उसके बाद क्या मैंने बेड रेस्ट किया? नहीं, मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये हेड डाउन पोजीशन में क्या मैं बेड रेस्ट करूँ? उनका कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है, हेल्दी है, आप जैसे रह रही थी बिल्कुल वैसे रह रही है, जैसे आपके काम हो रहे थे बिल्कुल वैसे करिए, कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हेड डाउन पोजीशन थी 6वें महीने में, फिर भी मैं डेली 1 घंटा योगा, डेली 1 घंटे वॉक करना, मेरे सारे अपने काम करना, डेली दिन में 2 से 3 बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना सब कर रही थी। हेड डाउन पोजीशन में था बच्चा 6वां महीने था। इसी कंडीशन में आगे बहुत सारी औरतें डर जाती हैं, नहीं नहीं अब मुझे बेड रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं बच्चा अचानक से कहीं नीचे आ गया, अचानक से प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गई, अचानक से कहीं लेबर पेन स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी को भी आपकी पता है कि कब बच्चा मैच्योर होगा, कब उसको डिलीवरी के लिए तैयार करना है, कब बच्चे को बाहर करना है, कब सर्विक्स का माउथ ओपन होना है, सब हमारी बॉडी को पता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो इसके अंदर चल रही है। तो आपको इतनी टेंशन लेनी जो नहीं, बाकी अगर आपकी कंडीशन क्रिटिकल होगी तो डॉक्टर आपको खुद बोलेंगे कि नहीं आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, आप कोई काम मत करिएगा, आपके बच्चे का हेड डाउन है। लेकिन अगर डॉक्टर आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रहे और आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बच्चा 8वें महीने में जब डॉक्टर ने लिखा कि हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, तो भी मैं बैठी नहीं थी, मैं जैसे जो मैं जैसे रह रही थी, जैसे अपने काम थे घर के जो मेरे होते थे, मार्केट आना जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, मतलब मैंने फुल इन्जॉय किया अपनी प्रेगनेंसी को, दोनों प्रेगनेंसी को फुल इन्जॉय किया है। तो मैं कभी भी बैठी नहीं कि नहीं बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया, अब मुझे बैठ जाना चाहिए, अब मुझे बेड रेस्ट करना चाहिए, अब कहीं प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी कंडीशन होगी प्रीमैच्योर डिलीवरी वाली, तो डॉक्टर आपको खुद इंडिकेशन देंगे, खुद बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा है, उसका काम है, उसका घूमना काम ही है पेट में, वो करेगा क्या, वो घूमेगा ही, वो तो पानी है अंदर, वो घूमेगा ही, कभी वो इधर आएगा कभी उधर जाएगा। जो फाइनल पोजीशन होगी वो 8वें महीने में लिख दी जाएगी, उसके बाद बच्चा नहीं घूमेगा। 9वें मंथ में जो अल्ट्रासाउंड पोजीशन है उसके बाद बच्चा नहीं घूमेगा, उसके बाद उसको जगह नहीं मिलेगी, लेकिन उससे पहले तक वो पूरे पेट में घूमेगा। चाहे 5वें महीने में लिख दिया है डॉक्टर ने हेड डाउन पोजीशन में, कोई मतलब नहीं, वो अगले अल्ट्रासाउंड में घूम के दूसरी पोजीशन में चला जाएगा। तो इतना समझाने की कोशिश थी आपको, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स थे जो अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। होप्स की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे नए खास वीडियो में नई और बेहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।